सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं सब स्पेसेस की। क्या है हमारे सब स्पेस? ठीक है, तो सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो कोई मान लो आपके पास वेक्टर स्पेस गिवन है। ठीक है, यहाँ पर कोई वेक्टर स्पेस वी दे दिया आपको। अगर अच्छा वेक्टर स्पेस गिवन है, तो उस दिन आपको बताया कोई चीज वेक्टर स्पेस होने के लिए मेरे को कितनी चीजें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आपको किसी कोई चीज देखनी है वेक्टर स्पेस बनेगा, तो आप सबसे पहले आप क्या कितनी चीजें मांगोगे? चार चीजें। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आपकी, क्या बात बता सको कि ये वेक्टर स्पेस बन जाए? क्या क्या चाहिए वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए बताओ। वॉइस आ रहा है आपका, मेरा आपके तक? यस सर, हाँ, तो आपका भी वॉइस आना चाहिए ना। यस सर, तो यस वेक्टर स्पेस बनने सर। के लिए हम बताओ कितनी चीजें चाहिए हमारे। सर वेक्टर एडिशन होनी चाहिए सर, हाँ वो शुड बी वो, अ बिलियन सर। हाँ ठीक, नहीं वो 11 प्रॉपर्टीज नहीं पूछ रहा, जो 10 प्रॉपर्टीज थी यार। मैं ये पूछ रहा हूँ यस कि सर, हमें नीड क्या क्या है हमारे पास, है ना? कि एक तो वी एक चाहिए, मतलब और क्या कि चाहिए? वीचे एफ चाहिए सर। एफ चाहिए, मतलब एक तो वी सेट चाहिए मुझे, और एक फील्ड चाहिए एफ चाहिए। ठीक है, और मेरे को यस दो सर, ऑपरेशन चाहिएंगे, एक जिसका नाम होता है वेक्टर एडिशन, और एक जिसका नाम स्केलर होता है मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यस अगर सर, ये चीजें, चार चीजें मेरे पास है, देन मैं सोच सकता हूँ कि ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। पर चेक करने के लिए सबसे यस पहले सर, रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो, चार चीजें चाहिए। ठीक है, अब अगर ये यस सर, अंडर वो प्रॉपर्टीज जो आप बता रहे हो वो सेटिस्फाई कर देगा, तब काम हो जाएगा। ठीक है, अब सब स्पेस का क्या यस मतलब है? इस वी के अंदर का कोई, अगर आप सबसेट ले लो W, नॉन एम्प्टी सबसेट, तो ऐसे लिखना, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V। ठीक है, V का हमने एक सबसेट लिया W, अगर ये वेक्टर स्पेस बन जाए, इफ अ नॉन एम्प्टी सेट इज सेट टू बी सबस्पेस ऑफ W, सबस्पेस ऑफ V इफ इट इज वेक्टर स्पेस ऑफ, इफ इट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड, ओवर सेम फील्ड एफ एंड अंडर सेम ऑपरेशन एज ऑफ बी। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर ये डब्ल्यू वेक्टर स्पेस बन रहा है, अब वेक्टर स्पेस बन रहा है ओवर किस फील्ड के ऊपर? सेम फील्ड के ऊपर सेम ऑपरेशन अप्लाई करके, तब हम बोल सकते हैं वो W क्या बनाएगा, सब स्पेस बनाएगा B के लिए, और वो वेक्टर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेम फील्ड पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि छोटे वाला वेक्टर स्पेस तो बना रहा है पर डिफरेंट फील्ड पे बना रहा है, फिर नहीं होगा। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे उसके अंदर देखना। अंडर द ऑपरेशन भी सेम होने चाहिए और फील्ड भी सेम होने चाहिए, तभी बनाएगा, अदरवाइज सब स्पेस बोल नहीं सकते। ठीक है, यस सर, ठीक है, अब देखना एक क्वेश्चन लिखते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, ठीक है, वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस ऑफ, अपना ले लेते हैं हम वेक्टर स्पेस, देखना क्या ले, कॉम्प्लेक्स ले लिया। ठीक है, ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ए ऑप्शन आ गया आपका जी नेचुरल हो गया, बी हो गया इंटीजर्स, सी हो गया लेट अस सपोज रेशनल, डी हो गया रियल नंबर, और ई हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब बता रहे आपको विच ऑफ द सर फॉलोइंग वो इज आर ऑपरेशंस, ऑपरेशंस यूजुअल। ठीक है, ऑपरेशंस है हमारे, ऑपरेशंस एज यूजुअल। ठीक है, यूजुअल ऑपरेशन मींस वेक्टर एडिशन इज डिफाइनिंग, लाइक अगर ए और बी आप उठा रहे हो, देन ए प्लस बी जैसे हम जोड़ते आए हैं, एंड मल्टीप्लीकेशन इज यूजुअल अगेन एज वी मल्टीप्लाई। ठीक है, ए इंटू बी जैसे हमने बचपन में करते हैं, लाइक 2 + i इंटू 3 इज इक्वल्स टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और एडिशन लाइक इन द सेम वे।
रियल में रियल वाला ऐड किया एंड इमेजिनरी में इमेजिनरी वाला, लाइक -5 + 2 आइटा लाइक दैट, और 2 + 3 आइटा अगर आपको मल्टीप्लाई करने की स्केलर से, देन यू कैन इजीली डू दैट राइट, 1 + आइटा, या अगर रियल नंबर से भी कर रहे हो क्योंकि फील्ड कॉम्प्लेक्स है तो कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। देन 2 - 3 times + 2 + 3 इज अ 5 आइटा राइट। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऐसे जैसे हम करते आए हैं बचपन से, और एडिशन भी जैसे हम करते हैं, सेम ऑपरेशन यूजुअल ऑपरेशन के अंडर आपको बता कौन सी सबस्पेस बना रहे हैं। अब वही बता पाएगा जिसे डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। ऑप्शन ई सर। ऑप्शन ई राइट, ऑप्शन वाई डी इज नो, बिकॉज इफ यू टेक अ रियल नंबर लाइक स्केलर मल्टीप्लीकेशन विल फेल सर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन बस रियल नंबर जो होते हैं ना, रियल नंबर ओवर द रियल नंबर तो वेक्टर स्पेस बन जाता है, बट रियल नंबर कैन नॉट बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारा फील्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो रियल जो है, रियल नंबर ओवर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फील्ड कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैन नॉट बी वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस नहीं बन पाएगा। व्हाई इट इज सो, बिकॉज स्केलर मल्टीप्लीकेशन विल फेल, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक एलिमेंट आपकी फील्ड से ले लूं 1 + आइटा, ठीक है, फील्ड से लिया, फील्ड क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, एक एलिमेंट अपने वेक्टर स्पेस से लिया 3 ले लिया, वेक्टर स्पेस से जो है हमारे पास रियल नंबर, एंड अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 times 1 + आइटा, वो अपने वेक्टर स्पेस में नहीं जाएगा, है ना। तो बोल सकते हो डी कैन नॉट बी ट्रू, इन द सेम वे सी इज नॉट ट्रू, बी इज नॉट ट्रू, ए इज नॉट ट्रू। क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और कि ना हमेशा याद रखना है, लाइक अगर आपके पास F1 फील्ड हो, F1 और F2 हमारे पास दो फील्ड्स हैं, ठीक है। अब फील्ड्स कैसी है हमारे पास, रिजल्ट 1 देखना, रिजल्ट 1 कि अगर F1 ठीक है कंटेन्ड है F2 के अंदर, देन F2 विल ऑलवेज बी अ Always be a vector space over F1, ठीक है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज F2 जो बड़े वाला है, बड़े वाली फील्ड सुपर फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर सब फील्ड, मतलब F2 जो होगी F1 पे क्या बना देगी, वेक्टर स्पेस बना देगी, ठीक है। रिजल्ट सेकंड, ठीक है, अगर F1, इफ F1 इज अ प्रॉपर सब फील्ड, दिस ये साइन किसका, प्रॉपर का, ठीक है। F1 इज अ प्रॉपर सब फील्ड ऑफ F2, देन F1 कैन नॉट बी वेक्टर स्पेस ओवर ठीक है। मतलब छोटे वाला वेक्टर स्पेस नहीं बना सकता बड़ी फील्ड पे, एंड बट बड़े वाला इज ऑलवेज कैन बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द स्मॉल फील्ड, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपरनेस की कंडीशन क्यों लाई, बट बिकॉज अगर इक्वेलिटी होगी देन वी नो दैट देन इट कैन बी फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। मतलब अगर फील्ड है F1 भी F है, F2 भी F है, देन वी नो दैट बाय द फर्स्ट रिजल्ट F इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड, ठीक है। फील्ड सेम पर बना देगी, ठीक है। डिफरेंट के लिए अगर बड़ी फील्ड है तो छोटी भी बना सकती है, छोटी कैन नॉट बी, स्मॉलर थिंग्स कैन नॉट बी अ वेक्टर स्पेस ऑन द बिगर थिंग्स, क्यों होगा, अगेन इन द इन दैट थिंग स्केलर मल्टीप्लीकेशन विल नॉट फॉलो, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन फेल्स। ठीक है। और यहां पर जो ये सिंबल यूज कर रहे हैं प्रॉपरनेस का, ठीक है, F1 इज अ प्रॉपर सेट ऑफ F, ठीक है। कई बुक्स में आपको ये वाला सिंबल ओनली ऐसे देखने को मिलेगा, F1 इज F2, ठीक है, कि F1 इज अ प्रॉपर सबसेट तो इक्वालिटी नहीं लगाता, बट हम ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं प्रॉपरनेस के लिए राइट। यस सर। ठीक है यहाँ पर। अच्छा आप ये लॉजिक भी यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स देखने के लिए, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। फर्स्ट है लाइक रियल ओवर रियल, सेकंड आ गया कॉम्प्लेक्स ओवर रियल, थर्ड आ गया हमारे पास रेशनल ओवर रियल, फोर्थ आ गया रियल ओवर रेशनल, फिफ्थ आ गया लाइक
रियल ओवर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिक्स्थ आ गया कॉम्प्लेक्स ओवर रियल हो गया रेशनल ले लेते हैं, सेवन्थ आ गया रेशनल ओवर रेशनल आ गया, एंड दिस थिंग इज रेशनल ओवर कॉम्प्लेक्स आ गया, लाइक नाइन्थ इज जेड थ्री ओवर जेड फाइव आ गया, ठीक है, इसके बाद टेंथ जेड फाइव ओवर रियल आ गया, देन वी हैव इलेवन रियल ओवर जेड इलेवन आ गया, ट्वेल्थ कॉम्प्लेक्स ओवर जेड वन वन ओ वन आ गया, ठीक है, एंड थर्टीन लेट अस टेक एनीथिंग जेड यहाँ पर ले लो फाइव हो गया जेड थ्री, ठीक है, अब बताओ जस्ट यूज दिस टू रिजल्ट एंड टेल देम सर, सर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ दैट ठीक है, सेकंड सेकंड नहीं होएगा सर, सर क्यों नहीं होगा, कुछ सोचो, एक रियल फील्ड है ठीक है, एक है रियल नंबर ठीक है, और एक है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर सबसेट है कॉम्प्लेक्स का, नहीं यस सर हो जाएगा सर, सबसेट है ना, तो कॉम्प्लेक्स बड़े वाला बना जी देगा सर, रियल पर, ठीक है, थर्ड यस सर, यस सर, वाला नो सर, स्मॉलर कैन नॉट बी इन वेक्टर स्पेस, क्योंकि यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो जाती है, ठीक है, जब भी छोटी चीज यस ओवर सर, बड़े आए तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन जाती है, राइट, फोर्थ वन यस सर, बढ़िया, फिफ्थ यस सर, रियल ओवर कॉम्प्लेक्स, नो सर, नो, सिक्स्थ यस सर, जाएगा, सेवन यस सर, क्या, एट यस, नो सर, नाइन, नो सर, ठीक है, नाइन्थ में ना अभी बता नहीं सकते क्योंकि अभी तक जो ऑपरेशन चल रहे थे वो यूजुअल चल रहे थे, यूजुअल एडिशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है यस ना, सर, बट यहाँ पर हमें यस सर, ऑपरेशंस कुछ डिफाइन करने पड़ेंगे, कौन सा एडिशन ले और कौन सा मल्टीप्लिकेशन ले, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेशन इंक्लूडेड है, वन इज एडिशन मॉडुलो ऑफ थ्री एंड वन इज एडिशन यस मॉडुलो ऑफ सर, फाइव, ठीक है, तो यहाँ पर फाइव, वेक्टर एडिशन के लिए आपको देना पड़ेगा कि जब मैं दो वेक्टर ले रहा हूँ जेड थ्री से, लेट अस सपोज बी और डब्ल्यू लिया जेड थ्री से, तो मैं एडिशन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, वी दिस काइंड ऑफ एडिशन, ठीक है, मतलब दोनों को ऐड करके थ्री से डिवाइड करो, देन जो रिमाइंडर बचता है वो आंसर आएगा, वो आपका आंसर है, ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करो वो भी आपकी मर्जी है, लेट अस अब की मॉडुलो फाइव कर देते हैं, जैसे कुछ जैसे एक मेंबर जब जेड फाइव से ले रहे हो, सी अगर जेड फाइव से आ रहा है ठीक है, और वी आपका जेड थ्री से आ रहा है, तो सी वी की मल्टीप्लीकेशन के लिए जो आएगा रिजल्ट वो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो फाइव ले रहा हूँ, अब बताओ इन दो ऑपरेशंस के अंडर ये बना पाएगा ये। जेड थ्री ओवर जेड फाइव है, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, जैसे मान लो एक मैंने फोर उठा लिया जेड फाइव से, ठीक है, और वहां से मैंने टू उठा लिया जेड थ्री से, तो जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे फोर की टू के साथ, तो रिजल्ट कितना मिलेगा, एट, एट है ना, बट स्केलर मल्टीप्लीकेशन कौन सी ले रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन मोड लो फाइव, मतलब अगर एट आ रहा है आपका तो फाइव से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ थ्री सर, थ्री, तो मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन को ऐसे डिफाइन करें, मतलब फोर इंटू टू का रिजल्ट कितना आएगा, थ्री आएगा, ठीक है, एडिशन को कैसे करेंगे,
दो जब वेक्टर स्पेस से एलिमेंट लोगे, जैसे एक टू लिया और दूसरा वन लिया, एडिशन वाले में ये वाला मॉडल लगाएंगे, थ्री वाला, ठीक है? तो टू प्लस एडिशन मॉडल थ्री, तो आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा, नहीं आएगा, यस सर। ठीक है? तो इस सर तरीके, मल्टीप्लिकेशन में फील लेना है सर। हाँ, मल्टीप्लीकेशन, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन? वन एलिमेंट्स कम फ्रॉम द फील्ड एंड वन एलिमेंट कम फ्रॉम द वेक्टर स्पेस, एंड वी हैव टू अप्लाई द ऑपरेशन। हाउ वी आर डिफाइनिंग द ऑपरेशन? डिफाइनिंग द ऑपरेशन इज टोटली इन योर हेड, ठीक है? उसे आप कैसे ओके भी डिफाइन कर सकते हो। वन वे वी आर डिफाइनिंग लाइक दैट, सी टाइम्स वी अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ फाइव। इफ इन द क्वेश्चन इट इज अंडर मल्टीप्लीकेशन फाइव, देन यू कैन टेल द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इट मे ऑल्सो हैपन दैट इन दैट क्वेश्चन इट इज मल्टीप्लीकेशन थ्री इज ऑल्सो यूज, राइट? सो टोटली इट इज टोटली ऑन द बेस्ड ऑफ द क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्मेट हो रहा है, अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ फाइव आ रहा है, देन इसके अकॉर्डिंग देखना है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर यहाँ थ्री है तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, राइट और नॉट? सर। एंड विच ऑपरेशन आई हैव गिवन यू, आई हैव इन द क्वेश्चन आई हैव गिविंग यू वेक्टर एडिशन अंडर एडिशन मॉडल ऑफ थ्री एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन एडिशन मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ फाइव। अब इन ऑपरेशन के अंदर बताओ, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर स्पेसेस आर सेटिस्फाई और देयर एग्जिस्ट सम प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट सेटिस्फाई? विल बी सेटिस्फाइड सर। सर इट विल बी और वॉन्ट बी, देखो बिकॉज या इट, व्हाट यू आर सेइंग, इट विल बी सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज और इट वॉन्ट बी? व्हेन वी डू मॉडुलो फाइव ऑल द ओके एलिमेंट्स विल बी देयर इन द सेट नो सर। ओके, बट व्हाट वी नीड वन एलिमेंट फ्रॉम द फील्ड एंड वन एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर या स्पेस, मल्टीप्लीकेशन शुड बी इन द ओके वेक्टर सर, स्पेस, इट राइट? वोंट सेटिस्फाई सर। इट वॉन्ट एक्चुअली व्हेन वी सेटिस्फाई, टेक 2 × 4, हाँ, टू या इंटू सर। फोर एट, सो तो इफ यू टेक व्हाट टू फ्रॉम दी Z3 टू विच इज फ्रॉम V, दी, है ना, या और अगर हम या 4 ले ले कहाँ से, Z5 से विच इज ऑफ द फील्ड, फाइव ठीक सर, है? एंड इफ वी डू मल्टीप्लीकेशन 2 × 4, सो इट विल बी व्हाट, 3 3, एंड वी कैन ऑल्सो अप्लाई, या 3 विल नॉट देयर, है ना? सो बिकॉज सर। आवर ऑपरेशन इज टोटली ऑन द मल्टीप्लीकेशन मॉडल, ठीक है? दिस इज वन लॉजिक यू कैन यूज, 3 इज नॉट अ मेंबर इन द Z3, Z3 मींस वी हैव ओनली 0, 1 और 2, ठीक है? अगेन अगर इस पे अप्लाई कर दोगे मल्टीप्लीकेशन एडिशन मॉडल ऑफ 3, देन इट विल बी 0 व्हिच इज देयर, बट यू कैन डू इट वन मोर लॉजिक लाइक दैट। इन द स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक प्रॉपर्टी और था हमारे पास कि अगर वन फील्ड से ले, वन कम्स फ्रॉम द जेड वी, सो 1 × v शुड बी इक्वल्स टू v, ये वाला तो हो रहा है सेटिस्फाई, ये वाला तो हो रहा है। 1 × 0 विल बी 0, 1 × 1 विल बी 1, एंड 1 विल बी द 2 इक्वल्स टू, ओके और नॉट, है ना? एंड यू कैन चेक व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव आल्सो, यू कैन चेक दैट will satisfy or not. I don't think so it will satisfy. You can check that. But it is also okay, right? This is also. So, ninth, इस तरीके के एग्जाम्पल में आपको कुछ चेक करना पड़ेगा कि ऑपरेशन कैसे डिफाइन करके उसके अंडर गो ऑल दी प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई और नॉट, ठीक है? देन यू कैन डू द आंसर ऑफ दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पर अगर हम सेम बात करें, ये एज एन एक्सरसाइज आप कर लेना, ठीक है? इसमें ऑपरेशंस जो मैं बता रहा हूँ, एडिशन जो होगा मॉडुलो फाइव, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन भी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो फाइव, इसमें भी सेम लगा रहे हैं, एडिशन मॉडुलो फाइव और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 11, एंड इन द सेम वे 101 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 1, एंड इसमें सेम ऑपरेशन से चेक कर लेना, ठीक सर, है? क्लियर? व्हाट अबाउट वेक्टर एडिशन? शुड वी टेक वेक्टर प्लस एडिशन फाइव इट विल बी और प्लस फाइव, थ्री प्लस फाइव वेक्टर एडिशन प्लस प्लस फाइव फाइव ओके एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, सर. ओके?